हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आ चुका मैं फेक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अपना प्यार और दुलार दीजिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है। तो दोस्तों आज महीने का लास्ट 28 तारीख है और मेरा कोचिंग में कुछ प्रोग्राम हो रहा है जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चलते आप लोगों को प्रोग्राम दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय। या कोई भी कोर्स करने जाते हैं, अगर इंग्लिश को 12 साल नहीं पढ़े तो सोचिए कि वो 5 विषय या 6 विषय कैसे कवर करेंगे। बिहार का हालत आप देखते हैं, अभी बहुत कुछ ठीक ठाक हो चुका है क्योंकि विदेशी टीचर जो है ना वो स्कूल में आ चुके हैं। अब हो सकता है कि 2024 से जो है ना कुछ बेहतर हो, लेकिन आज से लेकर जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2023 दिसंबर तक अंग्रेजी का हाल कैसा था या भी जानते थे, है ना। इसीलिए 12th के बाद अंग्रेजी कितना महत्व है, उसकी जरूरत कितना है, ये आपको 12th के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 12th में सिर्फ 100 मार्क्स इंग्लिश है, वो तो किसी तरह से निकल देता है। लेकिन उज्ज्वल भविष्य अपना बनाना है, बेहतर भविष्य बनाना है, तो बिना इंग्लिश का नहीं बनेगा। आप कहीं भी पता कर लीजिए, क्योंकि पूरा बीटेक का जो सिलेबस है या कुलर और हिमांशु सर को जो डाटा इसमें से